मुझे आप में से कौन बताएगा सुनने का अर्थ क्या है? कमाल है, क्या पूछ रहे, यही बोलोगे ना है प्रभु जी? सुनने का अर्थ सुनना है ना प्रभु, यही उत्तर होगा? नहीं जी, सुनने का अर्थ है ना, इसके अंदर एक सुनने का बड़ा महत्व है। एक शब्द और बोलिए, सुनना मतलब आपने जो कहा बिल्कुल सही, करना, लाना। उदाहरण, आप एक व्यक्ति है कालू राम, अरे कालू पानी लेके आइयो, एक बार बोला, दो बार बोला कालू पानी लेके आइयो, तीसरी बार बोला कालू पानी लेके आइयो, और जब चौथी बार नहीं लेके आया तो क्या बोलते हो? सुना नहीं क्या? सुनोगे तो करोगे। 99% लोग सुनते नहीं हैं, अर्थात कैसे पता लगता है? क्योंकि वो करते नहीं। सुन, अब एक जगह मैं ऐसी चर्चा कर रहा था, तो आपके बहुत बड़े ज्वेलर हैं जयपुर के, वो उसमें आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं करूंगा, मैं तो सोचूंगा करूंगा कि नहीं करूंगा। मैंने, पता है आपको मन का करना क्या होता है? सोचना। बुद्धि का करना क्या होता है? विश्लेषण करना। क्या होता है प्रभु जी? बुद्धि का काम होता है विश्लेषण, और सोचने का काम किसका है? मन का। ये अलग अलग है, बाद में चर्चा करेंगे इस पर भी, चिंता ना करिए। तो मैंने कहा आपने करा, और जब आपने विश्लेषण करके कहा कि मैं नहीं करूंगा, तो ये भी करना ही हुआ, क्योंकि इसमें शब्द कॉमन क्या है? करना। आपने विश्लेषण तो किया, परंतु हम सुनते बोलते जरूर, हम सुन के आए नहीं आए। जब मैं मजाक में कई बार कहता हूं हिंदुस्तान के अंदर, कि जब लोग आते हैं कि मैं भाई वो गया था, मैं वहां सुन के आया, मैंने कहा तुम सुन के नहीं आए। बोले ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैंने लगाया जीवन में, करा, उसका विश्लेषण किया। बोले नहीं, वो क्या होता है? मैंने तो सुना नहीं है। तो सुना नहीं है आपने, झूठ मत बोलो आप। तो अब मैं ये चीजें क्यों क्लियर कर रहा हूं, ये पॉइंट लगते हैं, लगे क्या फालतू फालतू सुनने के ऊपर बोल रहे हैं गुरु जी। अरे गुरु जी सुनने पे क्या बोल रहे हो? अब बताइए, सुनना जान समझना जरूरी है कि नहीं? आप बताइए मुझे, आपसे पूछता हूँ। टीचर सुनाता है और शिष्य सुनता है, सुनते नहीं है। प्रॉब्लम ये है, हम बोलते ज्यादा है, जबकि मुंह एक है कान दो हैं, तो उसी रेशियो में करो। भगवान ने जो बना के दिया है, अगर दुगना सुनो तो एक बोलो, कितना प्रभु जी? एक्चुअली हमारे गुरु महाराज कहते थे एक घंटा अगर चर्चा करनी है तो 4 घंटे पढ़ो, क्योंकि 4 घंटे पढ़ोगे मतलब 2 कानों से सुनोगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी। 4 कानों से सुनो, जिससे कि 2 का गिर भी गया तो 2 तो रह जाएगा, तब बोलो। परंतु हम लोग क्या करते हैं, उल्टा, 2 मुंह 1 कान, और वो भी कान क्या होता है, बहरा, वो भी सुनता नहीं है। ये प्रॉब्लम है प्रभु जी, हमें अपने एनालाइज करना पड़ेगा। मैंने ये एनालाइज किया प्रभु जी, जितने जीवन में सफल लोग हैं ना, ये जाने अनजाने भगवद्गीता को फॉलो कर रहे हैं। जब मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा था तो मैं ज्यादातर लोगों की ना जो लाइफ हिस्ट्री होती थी ये पढ़ता था, जिसे ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी कहते हैं ना, मैं कहता था ये सफल क्यों हुए। और जब मैं लोगों से मिला प्रभु जी ये सुनते ज्यादा है, जो इतने सफल है ना, ये सुनते ज्यादा है, बोलते कम है। ये आप टीचरों को नहीं करना, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जिसका जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा, पढ़ाना तो पड़ेगा ही। बोलेंगे गुरु जी बोले थे बोलो कम, इसलिए हम क्लास में 2 ही शब्द बोले, क्योंकि अज्ञानी का नहीं सुनना, अज्ञानी की नहीं सुनना। ये ज्ञान लेना पड़ेगा ये जानने के लिए कि वो अज्ञानी है कि ज्ञानी है। किसी को भी अज्ञानी मत बोलिए। जब तक वो, हमारे गुरु महाराज बड़ा अच्छा उदाहरण देते थे, प्रभुपाद जी कहते थे कि एक देखते दूर से कोई बैठा है भाई सिंहासन पे, कोई बैठा है, समझ नहीं आ रहा कौन है, तो एक बॉल फेंक दो, पता लगा वो कौन से कुत्ता कूद के आ गया बॉल पकड़ने, कि वो तो जानवर बैठा है। तो इसीलिए ये गुरु शब्द का बड़ा दुरुपयोग भी हुआ है, और आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्यादा हुआ है। अधिकतर लोग कहते हैं कि मैं गुरु, ज्यादातर क्या बोलोगे, हाँ मैंने गुरु बनाया हुआ है, मैंने बनाया है गुरु को। सिर्फ मुझे बहुत कम लोग मिलेंगे, भौतिक जगत में ऐसा नहीं बोलते आप, मेरे बहुत कम लोग बोले मिले हैं कि बोलते हैं मैं शिष्य हूं उनका। मेरे को तो प्रभु जी आज 40 साल में 2-4 मिले होंगे जिन्होंने बोला है कि मैं
शिष्य हूँ। और जबकि भौतिक जगत के अंदर आप क्या बोलते हो, मैं उस स्कूल का उस कॉलेज का छात्र हूँ। सही बात है गलत बात है? तो अध्यात्म में उल्टा कैसे है जी, समझ में आ रहा है? तो इसलिए टीचर का काम है बोलना, तो बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि अज्ञानी को ज्ञानी बनाना पड़ेगा।